धनतेरस और दिवाली के दिन सोने चांदी की खरीदी करना बेहद शुभ माना जाता है, लेकिन इसके अलावा भी ऐसी कई धातु हैं जिनकी खरीदी करना सोने चांदी की तरह ही शुभ माना जाता है, और इन धातु से बने सामान सोने की अपेक्षा बेहद कम कीमत में मिलता है। धनतेरस के दिन सोने चांदी के अलावा तांबा, पीतल, कांसे से बनी चीजों को भी खरीदा जा सकता है। सबसे ज्यादा लोग तांबा, पीतल और कांसे में से बने बर्तन खरीदते हैं। रीवा के मार्केट में भी इन धातुओं से बने बर्तन का स्टॉक आ चुका है, जिसमें नए डिजाइन भी मिलने लगे हैं। व्यवसायी रमेश चंदानी बताते हैं कि पहले की तरह ही अब लोग पीतल, तांबा और कांसे को काफी पसंद करने लगे हैं। अब लोग चाय और खाना भी पीतल के बर्तन में बनाना पसंद करते हैं। यहाँ तक कि अब लोग खाना खाने के लिए भी पीतल के बर्तनों के जैसे थाली, ग्लास का उपयोग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, धातुओं के पानी के जग और बॉटल की डिमांड भी बढ़ गई है। कहा जाता है कि सेहत के लिए भी इन धातुओं के बर्तन बेहद फायदेमंद होते हैं, इसलिए इन धातुओं की बढ़ती डिमांड के हिसाब से अब पीतल, तांबे और कांसे के बर्तन का कलेक्शन बढ़ाया गया है। लोगों का कहना है कि इन बर्तनों का खाने पीने में इस्तेमाल करने से खाने पीने का स्वाद बढ़ जाता है और सेहत भी अच्छी रहती है। पहले पूजा करने वाली थाली, विशेष थाली ही फूल की थाली पीतल, तांबे और कांसे से बनाए जाते थे और अब इनका विक्रय किया जाता था, लेकिन अब पीतल, तांबे, कांसे से बने कई बर्तन बाजार में आ चुके हैं, जिसमें फूल की थाली, फूल का लोटा, प्रिंटेड पीतल की थाली, तांबे और कांसे की थाली, आर्चिमिनी जग, ग्लास, पानी का बॉटल इत्यादि भी मिलने लगे हैं। पूजा घर में बनने वाले में जो बजने वाली घंटी को भी लोगों के द्वारा खरीदा जा सकता है। इन धातुओं से बनी आरती की थाल भी कई वैरायटी में मिल रही है। धनतेरस के दिन इन बर्तनों को खरीदा जा सकता है। बाजार में इन धातुओं से बनी सामग्री महज 40 रुपए में मिलनी शुरू हो जाती है। इसके बाद अलग अलग बर्तनों के अलग अलग रेट लिए जाते हैं। 2 से 3 हजार रुपए तक एक से बढ़कर एक थाली, जग और बॉटल जैसे सभी बर्तन खरीदे जा सकते हैं। कांसे की थालियां आती हैं पूजा में पूजा करने के लिए, पीतल की थालियां भी आती हैं, अच्छी अच्छी सुंदर आती हैं, आर्चमनी आती है, दीपक आते हैं, तांबे के दीपक आने लगे हैं आजकल, डिजाइन भी आती है, 5-6 डिजाइन लोटे में है, दीपक में 5-6 डिजाइन है, स्टार बना रहता है, स्क्वायर प्लेट रहती है, लेजर प्रिंट रहता है उसमें, प्रिंटेड की थालियां आती हैं, ऐसे प्रिंट आती है, ये पीतल की पूजा की थालियां हैं, ऐसे आइटम आते हैं बहुत सारे, ये तांबे की प्लेट है। मार्केट में नई चीज के हिसाब से धातु में फूल का आइटम बहुत चल रहा है, इसमें तांबे की बॉटलें बहुत अच्छी चल रही है, एक से एक अच्छी डिजाइन आई हुई है, और तांबे का पानी पीने से पेट में भी सफाई होती है, बहुत फायदा करता है तांबे पानी पीने। आजकल जो फूल के आइटम पहले जमाने जो लोग खाते थे वो आज फिर से आने शुरू हो गए और बहुत अच्छी क्वालिटी के आ रहे हैं, बहुत अच्छी डिजाइन के भी आ रहे हैं, मार्केट में उस चीज का उठा भी है। धनतेरस के टाइम जो है टाइम में लोग पीते फूल के आइटम बहुत अच्छे से लेते हैं, शौक से लेते हैं, जैसे बाटल का शेप है, कापर की बाटलें बहुत अच्छी अच्छी आती है, सुंदर आती है, क्वालिटी अच्छी रहती है, उनकी मार्केट में उसकी वैल्यू भी अच्छी रहती है,